हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ईगर बीवर एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल फॉर 1 नवंबर 2018 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हमारे पहले एडिटोरियल पे स्टार्ट करते हैं। पहला है सीज फायर। तो रिसेंटली आपने डिफरेंसेस देखे होंगे बिटवीन RBI एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस नहीं है। उसको मैं अलग से अभी डिस्कस करूँगी कि क्या रीजंस हैं कि RBI वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्यों इतने सारे इस तरीके के स्पैट आए हैं सामने, वो हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट। उसको मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करती हूँ। सेक्शन 7 जो है RBI एक्ट में, वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो डायरेक्शन दे सके RBI को इन केसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर कोई इशू है जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर लिक्विडिटी क्रंच है अगर मार्केट में और RBI पैसे रिलीज नहीं कर रहा है, RBI लिक्विडिटी रिलीज नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट इस सेक्शन का यूज़ करके RBI को कह सकती है कि RBI आप पैसे रिलीज करो, क्योंकि मैं ये सेक्शन 7 RBI एक्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे आपको यूज़, मैं अपना यूज़ करके आपको ये कह रहा हूँ करने को। तो उस टाइम क्या होता है कि RBI को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है। यूजुअली RBI एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, वो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लेता है। बट अगर सेक्शन 7 में ये चीज़ मेंशन है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन दे सकती है RBI को कि वो उनकी डायरेक्शन के हिसाब से काम करें। तो पूरे आर्टिकल में बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे रीजंस क्या है स्पैट के वो डिस्कस नहीं है, उसे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट वर्सेस RBI के क्या स्पैट रहे हैं। पहला तो 8 नवंबर 2016 जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से गवर्नमेंट और RBI में दिक्कतें आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था और RBI ने काफ़ी ब्रंट फेस किया ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच इन द मार्केट। तो लिक्विडिटी क्रंच की वजह से और उसको रीमोनेटाइजेशन के डिले प्रोसेस होने की वजह से RBI ने बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम भी किया है और ये जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत ही फेल रहा है। आपने RBI की जो रिपोर्ट आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, उसमें भी हमने देखा कि 99% जो पैसा था, लिक्विडिटी थी, वो वापस आ गई थी। जो ब्लैक मनी था जो ये कह रहे थे, वो रिटर्न बैक इनटू द सिस्टम हो चुका था। तो डीमोनेटाइजेशन एक तरीके का फेलियर था और उसकी वजह से जो लिक्विडिटी क्रंच जो रहा है उसका पूरा ब्रंट RBI ने फेस किया। ये पहला डिफरेंस था। सेकेंड था PNB नीरव मोदी वाला केस, जिसमें नीरव मोदी पैसे लेके भाग गए थे। तो उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने RBI को एक स्लीपी रेगुलेटर कहा था कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे, उनके नाक के नीचे से नीरव मोदी पैसे लेके भाग गए। तो उसके ऊपर RBI ने कहा कि उनको इनफ पावर्स प्रोवाइडेड नहीं है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये RBI का कहना था और गवर्नमेंट ने फर्दर यही चीज़ कही कि नहीं नहीं, RBI के पास इनफ पावर्स है, बट RBI का कहना है हमारे पास इनफ पावर्स नहीं है। फिर थर्ड चीज़ ये रही कि आपको मालूम है बैंक चीफ्स काफ़ी सारे बैंक्स के हटाए गए थे, येस बैंक के राणा सिंह को, देन शिखा शर्मा जो हैं उनको भी हटाया गया था एक्सिस बैंक की, और चंदा कोचर जो है ICICI बैंक की, उन सबको हटाया गया था, रिमूवल किया गया था बिकॉज ऑफ करप्शन केसेस, और ये लोग अपने बैंक्स के NPAs को सही फिगर्स नहीं दिखा रहे थे। तो इस बहुत सारे रीजंस थे, तो इनकी वजह से इन लोगों को हटाया गया था। फिर उसके बाद इन्होंने इवन RBI ने ये भी किया था कि जो लोग लोन लेते हैं, तो आपको मालूम है कि आफ्टर 90 डेज, मतलब 90 डेज का पीरियड होता है, आफ्टर 90 डेज RBI ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अगर 91st डे भी अगर कोई बंदा है वो अपना ना प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का अमाउंट वापस नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है, तो उसके लोन को NPA करार दे दो। तो ये एक इनिशिएटिव लिया था RBI ने। उन्होंने इवन इफ कि 91st डे तक, मतलब 90th डे के एंड और 91st डे के शुरुआत तक अगर कोई कंपनी
अपने लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट वापस नहीं करेगी तो उसके एसेट, उसके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाएगा। इसकी वजह से देर वॉज अ राइज इन द NPAs इन द इकॉनमी। 25% का इंक्रीज़ देखा गया था NPA की वजह से, NPA का बिकॉज ऑफ RBI's इनिशिएटिव, और ये कुछ 10 लाख करोड़ से ऊपर था। तो गवर्नमेंट को हैवी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी थी इस वजह से, क्योंकि उनका ये टारगेट था कि वो NPAs को कम करेंगे, बट बिकॉज ऑफ ये जो इनिशिएटिव RBI ने लिया कि 91st डे ही वो लोन को NPA करार दे देंगे, इसकी वजह से देर वॉज अ राइज इन NPA इन द इकॉनमी। एक काफ़ी मैसी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था यहाँ पे। और आपको मालूम है कि हमारा जो इकॉनमी है वो 3 पिलर्स के ऊपर है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मार्केट। तो किसी भी पिलर पे कोई इंस्टेबिलिटी आती है, वो अदर पिलर्स के ऊपर भी उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बिकॉज ऑफ राइज इन NPAs और इस तरीके की मैसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स बहुत डिस्करेज होते हैं कि वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरीके का स्पैट था बिटवीन RBI एंड गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हमें पता है कि RBI का एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक तरीके का मेजर है। उसमें क्या होता है कि जो वीक बैंक्स होते हैं, वीक बैंक्स वो होते हैं जो कि प्रॉफिट तो छोड़ो लॉसेस में बहुत जा रहे होते हैं, तो जिनके जो बैंक्स बहुत लॉसेस में जा रहे होते हैं उनको RBI प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर लेके आता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या होता है कि वो बैंक को मना करते हैं कि वो अपने लेंडिंग को इंक्रीज नहीं कर सकते, अपने लोन्स को वो एक्सपैंड नहीं कर सकते, ना ही वो इंक्रीज कर सकते, ये उनको मना कर दिया जाता है। और वो किसी भी तरीके के नॉन कोर बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे वो बैंक्स, वो सिर्फ अपना कोर बिजनेस करेंगे जो कि है बैंकिंग वाला, वो किसी भी तरीके के नॉन कोर बिजनेसेस में नहीं एंटर करेंगे। तो जैसे हाउसिंग फाइनेंस में नहीं एंटर कर सकते ऐसे बैंक्स, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस इज़ नॉट द कोर बिजनेस ऑफ एनी बैंक, वो तो उनके दूसरे फंक्शंस है, मतलब आप अलग से जो उनके नॉन कोर बिजनेसेस कह लो। कोर बिजनेस क्या है किसी बैंक का, कि वो आपका खाते का पैसे लेंगे आपके खाते में और आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे और लोन में वो पैसा घुमाएंगे, बट लोन भी वो एक से हद से ज़्यादा ना एक्सपैंड कर सकते हैं और ना ही वो अपने लेंडिंग को भी वो इंक्रीज नहीं कर सकते। तो उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्टर मेजर्स रहते हैं RBI के। तो ये है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो कि 11 बैंक्स के ऊपर था। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन चाह रहा था कि इन नॉर्म्स के ऊपर कुछ रिलैक्सेशन हो, ताकि अगर रिलैक्सेशन होगा तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो जितने भी MSME सेक्टर है, NBFCs है, उनको पैसा मिलेगा ताकि वो लोन में आगे पैसा को यूटिलाइज कर सके, इकोनॉमी ठीक हो सके, बट RBI ने मना कर दिया। देन उसके बाद ये था कि आपको मालूम है एक तरीके का प्रोजेक्ट सशक्त जो है वो पीयूष गोयल जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जब अरुण जेटली बीमार थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट सशक्त शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट सशक्त में उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक तरीके का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वालों को एक तरीके का उन्होंने टाइम पीरियड प्रोवाइड कर दिया था, 90 to 180 days का एडिशनल टाइम पीरियड, जिसमें वो अपने आप को इनसॉल्वेंसी या बैंकरप्टसी के अंदर ला सकते हैं। तो और आपको मालूम है कि RBI ने 91st डे ही उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में डिक्लेयर करने की बात कर दी थी। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट सशक्त ने ये कहा कि 91st डे के बाद आपको हम 90 से लेके 180 डेज और देते हैं ताकि आप इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्टसी के अंदर आप आ जाएं। बट RBI इस स्टेप से खुश नहीं था, इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं था सशक्त से। उनका ये कहना था कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्योंकि बैड एसेट के बारे में ऑलरेडी जो हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोड वाला जो एक एक्ट है, आपको मालूम होगा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोड वाला, तो उसमें ऑलरेडी प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं, और इस तरीके के एडिशनल डेज प्रोवाइड करना ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है और ये एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है और मिनिस्ट्री इस तरीके से नहीं कर सकती। तो ये एक और डिफरेंस था। देन अभी आपने रिसेंटली सुना होगा पेमेंट रेगुलेटर्स के बारे में भी, कि गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि वो एक इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटर स्टैब्लिश करेंगे आउटसाइड द एम्बिट ऑफ RBI। तो अगर इस तरीके के पेमेंट रेगुलेटर होंगे जो कि अगर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ RBI होंगे, तो उससे काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि करेंसी जो है वो RBI के अंडर आती है। RBI ही पूरी करेंसी को देखता है कि
अगर लिक्विडिटी क्रंच है तो लिक्विडिटी रिलीज करना, ये सब काम पूरा आरबीआई का है. तो इट इज़ अ सबसेट, करेंसी इज़ अ सबसेट ऑफ पेमेंट सिस्टम और विच इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई. तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये मैंने पूरा वहीं से उठाया है जो आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि पेमेंट सिस्टम सारा सब सिस्टम ऑफ करेंसी विच इज़ रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. द ओवर आर्किंग इम्पैक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड वाइस वर्सा प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम टू बी विद द मॉनिटरी अथॉरिटी. तो अगर हम पेमेंट सिस्टम को अलग कर देंगे फ्रॉम द मॉनिटरी पॉलिसी, तो पहली बात तो है डेटा गैदर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आरबीआई के लिए. और इस तरीके की रेगुलेटर्स, अगर दो रेगुलेटर्स एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा ही रहेगा. तो इस तरीके का ये जो पेमेंट रेगुलेटर, आरबीआई का ये कहना है कि पेमेंट रेगुलेटर एक बॉडी होनी चाहिए बट वो आरबीआई के ही अंडर होनी चाहिए. बट गवर्नमेंट कहती है पेमेंट रेगुलेटर जो बॉडी होगी वो अलग काम करेगी, वो एक अलग हम उसके लिए रेगुलेटर बनाएंगे जो कि आरबीआई के बाहर होगा. तो ये भी एक तरीके का स्पैट था, क्योंकि करेंसी को अगर दो रेगुलेटर्स अगर उसको लेके डिफरेंसेस आएंगे दो को, तो वो काफ़ी दिक्कत हो जाता है. आपको मालूम ही है और भी सारे हमेशा हमने सुना है IRDAI और बैंक्स में भी हमेशा इस तरीके के आरबीआई वर्सेस IRDAI के भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं. जो पेंशन फंड्स, जो म्यूचुअल फंड भी होते हैं, तो इसको ही लेके काफ़ी दिक्कतें होती हैं. इवन हमने IRDAI वर्सेस सेबी का भी हमने देखा है इस तरीके की काफ़ी डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि कई कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ दो रेगुलेटर्स आ जाते हैं तो इस तरीके के वहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें आती हैं. तो इसी को लेके यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है. नेक्स्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है आईएलएफ रिमूवल ऑफ नचिकेत मोर फ्रॉम द बोर्ड विच गेव एंड सरप्राइज एंट्री ऑफ एस गुरुमूर्ति टू द बोर्ड हु इज एन आरएसएस आइडियोलॉग. दिस हैज गिवन राइज टू एलिगेशन कि आरबीआई में इस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बाय द गवर्नमेंट. वो अपने मेंबर्स को इंक्लूड करना चाह रही है, अपॉइंटमेंट देना चाह रही है, ताकि जो आरबीआई है वो इंडिपेंडेंटली वर्क ना कर पाए. एंड फिर उसके बाद एंड में ये भी कहते हैं आरबीआई में कि डिले इन फिलिंग द वैकेंसीज ऑफ द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स. तो जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं उनकी अभी भी वैकेंसी है. तो आउट ऑफ 21 मेंबर्स इन द बोर्ड अभी भी 3 वैकेंसीज है. गवर्नमेंट उसको ना फिल करके जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनको रिमूव करके अपने आइडियोलॉग्स को वो इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि वो जो जो भी डिसीजन मेकिंग है आरबीआई उसमें वो इंटरफेयर कर सके. सो दीज आर द रीसेंट स्पैट जो भी रहे हैं फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, 2016 से लेके अब तक के ये सारे डिफरेंसेस हैं जो कि बिटवीन आरबीआई एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के बीच में रहे हैं. तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है आधार के ऊपर. द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन द क्लेम दैट आधार रिड्यूस वेज पेमेंट डिले इज मिसलीडिंग. DRI team went to the press without verifying their result is irresponsible and can potentially misdirect a crucial policy debate. तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो एक्चुअली में एक रिपोर्ट जारी की गई थी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो हैदराबाद में है. उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा था कि विथ इंक्लूजन ऑफ आधार, तो आधार कार्ड जब से आया है तब से एक तो डिले पेमेंट जो होती है वो कम हो गई है. मतलब जो पहले जो जो लोग मनरेगा में प्रोग्राम में जो लोग इनरोल थे तो उनकी वेजेस में अब डिलेस कम होते हैं. और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि आधार की वजह से लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एडिशनल डेज के काम के मिल रहे हैं. तो बहुत तारीफ कही गई थी ISB की जो रिपोर्ट है जो कि आधार के ऊपर कि विद इंक्लूजन ऑफ आधार मनरेगा में बहुत इम्प्रूवमेंट आई. तो उसी को रिलेटेड ये आर्टिकल है. ये आर्टिकल जो है वो उस रिपोर्ट को डिफाई करता है. उस रिपोर्ट में 3 कमियों को वो पॉइंट आउट करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है. आधार से पहले भी काम बहुत अच्छा चल रहा था, वैसे ही चल रहा था, और आधार ने एज इन ऐसे कोई बहुत बड़े काम नहीं किए हैं. और सिर्फ आधार की वजह से जो मनरेगा में सिर्फ एक ही सिर्फ मुनाफा रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल. आर्टिकल में जो 3 रिसर्चर्स हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके बोलते हैं कि आधार का बस एक बेनिफिट रहा है मनरेगा प्रोग्राम में कि जो फेक पीपल थे उसको आइडेंटिफाई
विद द हेल्प ऑफ आधार किया जाता है, ना ही किसी तरीके का वेज डिले में डिक्रीज हुआ है आधार की वजह से, ना ही इंक्रीमेंट हुआ है ड्रॉट एरियाज में ऑफ मनरेगा वर्कर्स इन द ड्रॉट एरियाज, ऐसा भी आधार की वजह से नहीं हुआ है। वो किस वजह से हुआ है हम अभी डिस्कस करेंगे। और तीसरा एलिगेशन ये कहते हैं कि जो ये जो रिपोर्ट है आईएसबी की रिपोर्ट, इन्होंने बहुत ही चेरी पिकिंग ऑफ डेटा किया है, मतलब अपने मन अनुसार इन्होंने डेटा लिया है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो टाइटल है इस आर्टिकल का एन इमेजिनरी फ्रेंड। जैसे कि मैंने कहा कि एक वर्किंग पेपर है जो कि इंडस स्कूल ऑफ बिजनेस के मेंबर्स, डिजिटल आइडेंटिटी रिसर्च इनिशिएटिव के मेंबर्स ने एक वर्किंग पेपर टाइटल्ड अ फ्रेंड इंडीड में ये बात कही। क्या बात कही? कि मनरेगा और ड्रॉट डेटा को इन्होंने रिलेट किया है। 2011 से 2017 का इन्होंने मनरेगा और ड्रॉट डेटा को रिलेट किया। इसमें इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की है, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस इन डिफरेंसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बस हमको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट इन्होंने जारी की, और उस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत ही कैजुअली ये क्लेम किया है कि मनरेगा वर्क जो है ड्रॉट एरियाज में इंक्रीज हो गया है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आधार मेकिंग मनरेगा काउंटर साइक्लिक। एंड कंक्लूजन में ये कहते हैं कि आर्टिकल ये कहता है कि मनरेगा के ऊपर जो इन्होंने एजम्पशंस लिए हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आधार, वो एक बहुत ही फॉल्टी कंक्लूजन है। तो जैसे कि मैंने आपको तीन फॉल्ट्स जो कि इस आर्टिकल में बात की गई है, दैट इज़ आधार लिंक पेमेंट, सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और तीसरा है चेरी पिकिंग ऑफ डेटा। ये तीन पॉइंट्स के बारे में इस आर्टिकल में पूरी पूरी बात हुई है, हम इसी के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहला है आधार लिंक्ड पेमेंट। तो इसमें आर्टिकल में ये कहते हैं कि जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंटरवेंशन हुए हैं मनरेगा में, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या आधार सीडिंग या आधार पेमेंट ब्रिज या जैम या फिर एज अ सॉलिटरी एंटिटी, ये सब आधार लिंक्ड पेमेंट के अंदर ही जो इस आईएसबी वालों ने इन सारे इनिशिएटिव्स को एक ही के अंदर क्लब कर दिया। बल्कि आर्टिकल ये कहता है कि ये सारे जो इनिशिएटिव्स थे, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स थे मनरेगा के अंडर, ये पहली बात तो ये है कि पहले तो एक स्ट्रक्चर के अंडर नहीं आते, और दूसरा ये सारे इंटरवेंशंस या इनिशिएटिव एक साथ शुरू नहीं किए गए थे। ये धीरे धीरे डिफरेंट ईयर्स में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ये काम शुरू किया गया था, और इसको क्लब करके बस आधार के अंदर लिंक कर देना ये गलत है। तो इसमें यही कहते हैं कि इन्होंने आधार लिंक पेमेंट के अंदर ये सारे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको, जो कि रोल्ड आउट हुए थे अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स, इसको एक ही के अंदर क्लब कर दिया। और फिर आर्टिकल में ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी है कि 2014 से पहले जो फार्मर्स थे जो कि मनरेगा के अंडर काम कर रहे थे, उनको लंबी लाइन लगानी पड़ती थी अपने वेजेस को लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर, बट ऐसा नहीं है। इवन 2014 से पहले भी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम EFMS, ये 2011-12 में ही शुरू हो गया था, जिसमें लोगों को उनकी जो वेजेस होते थे वो उनके बैंक्स या पोस्टल अकाउंट्स में पहले भी जा रहे थे। तो 2014 से पहले भी ये इलेक्ट्रॉनिकली वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और ये अजम्पशन करना कि फार्मर्स लंबी लाइन लगाते थे ये गलत है। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि रिपोर्ट ने ये गलत चीज़ प्रोजेक्ट की है, और उन्होंने आधार लिंक पेमेंट के अंदर सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डाल दिया, डिस्पाइट कि ये डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स थे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आते थे और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आए हैं। सेकंड जो है आर्टिकल, वो पॉइंट आउट करता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। वो है सुप्रीम कोर्ट की एक केस था जिस बिटवीन था स्वराज अभियान एंड यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 2015 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रेस किया है गवर्नमेंट को कि वो मनरेगा के जो प्रोविजंस हैं वो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज, जहाँ पे सूखा पड़ जाता है उन वो वाले एरियाज में मनरेगा के जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लाई करें। मतलब जो मनरेगा में जो वर्क दिया जाता है, कि क्योंकि आपको पता है मनरेगा के अंडर मैनुअल लेबर जो वाला काम दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मनरेगा के अंदर जो लोग काम करते हैं वो स्किल्ड नहीं है, तो उनको मैनुअल लेबर वाला काम दिया जाता है। तो उनको इस केस में स्वराज अभियान एंड द यूनियन ऑफ इंडिया ये वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे मनरेगा वर्कर्स को वहाँ पे डिप्लॉय करो,
और उनको 50 एडिशनल वर्क पर हाउसहोल्ड दो और वेज डिलेज को रिड्यूस करो और पेंडिंग वेज पेमेंट्स को भी क्लियर करो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस था इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस दिए और उसके वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने 2014 से लेकर 17 तक काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स इशू किए ताकि एडिशनल डेज ऑफ वर्क इंक्रीज हो ड्रॉट हिट एरियाज में और इस तरीके के जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव की वजह से ये काम हुआ है, ये जो एडिशनल वर्किंग डेज जो प्रोवाइड किए गए हैं तो ये इस जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव की वजह से हुआ था, ना कि आधार के इंट्रोडक्शन की वजह से हुआ। तो ये एक सेकेंड पॉइंट है जो कि जो आर्टिकल में जितने भी तीन ऑथर्स हैं वो उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो उस पर अगेन वो कहते हैं कि आधार का कोई इसमें रोल नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रोल था। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया चेरी पिकिंग ऑफ डेटा, तो जो इस आर्टिकल में ऑथर्स हैं वो ISB की रिपोर्ट को काफ़ी चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने अपने मन मुताबिक डेटा उठाया है और इन्होंने 2014-15 का तो डेटा लिया बट 2014-15 से पहले सिर्फ एक साल का प्री ALP मींस प्री आधार लिंक पेमेंट्स मतलब उसको सिर्फ एक साल का ही डेटा उठाया, जबकि इनके पास 2011 से 2017 का पूरा डेटा था। डिस्पाइट दैट इन्होंने जो अपने स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं वो प्री ALP के सिर्फ 1 ईयर, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे सेकंड पैराग्राफ में लास्ट की जो 3 लाइनें हैं, इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द वर्किंग पेपर दे प्रेजेंट द ट्रेंड फॉर ओनली 1 ईयर ऑफ द प्री ALP पीरियड डिस्पाइट द डेटा स्पैनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 such years 2011 से 12 13 से 14। तो आपको पता है 2014 में ही आधार का इंट्रोडक्शन हुआ था, आधार पेमेंट्स और आधार के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया था 2014 से ही। तो डिस्पाइट कि इनके पास 2011 से का डेटा था, इन्होंने सिर्फ 2013 से के डेटा को यूज़ किया अपने स्टैटिस्टिक्स में। तो अगेन वो यही इम्प्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे चेरी पिकिंग हुई है डेटा की। और इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है का इंट्रोडक्शन, सो देर वॉज नो डेटा अवेलेबल कि ड्रॉट एरियाज में मनरेगा का काम कैसा चल रहा था और ड्रॉट एरिया और नॉन ड्रॉट एरियाज में मनरेगा का काम कैसे चल रहा था, इसके ऊपर इन्होंने कोई भी अपने इंसाइट्स नहीं बताए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। और इन्होंने एक जैसा मान लिया कि नॉन ड्रॉट एरियाज में मनरेगा का काम जैसा चल रहा था वैसा ही ड्रॉट एरियाज में भी मनरेगा का काम वैसे ही चल रहा था। तो एक्चुअल में ये जो तीन ऑथर्स ने काफ़ी सारे डिस्क्रिपेंसीज जो रहे हैं इस रिपोर्ट में उनको पॉइंट आउट किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो बहुत ही गलत कंक्लूजन, बहुत ही फॉल्टी कंक्लूजन के ऊपर डिराइव कर रही है। अकॉर्डिंग टू ऑथर्स उनका ये कहना है कि आधार ने एज इन ना ही वेज डिलेज को डिक्रीज किया है और ना ही आधार के इंट्रोडक्शन से एडिशनल वर्क जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट या एडिशनल डेज ऐड हुए हैं, ना ही इनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है। जो सबसे अच्छा काम जो कि आधार की वजह से हुआ है वो है कि इसने फेक जो लोग थे फेक आइडेंटिटीज जो थी उनको पहचान करने में उसमें हेल्प की है। ऑब्वियसली आधार की वजह से डेफिनेटली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हुए हैं जिसकी वजह से सरकार के काफ़ी सारे पैसे जो है वो बचे हैं, जो हमने कई सारे रिपोर्ट्स में ये बात देखी है। बट इसकी वजह से आधार की वजह से इंक्रीमेंट इन द एडिशनल डेज और इंक्रीमेंट इफ़ यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ वेज और डिक्रीज इन द वेज डिलेज दिस हैज़ नॉट हैपेंड बिकॉज ऑफ आधार। तो इस तीन पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस आर्टिकल का। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल की तरफ। एंड द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज़ क्योर इन प्रोग्रेस। सो ये आर्टिकल डील्स विद कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि एक उनकी मीटिंग हुई थी ऑन 26 सितंबर, वहाँ पे उन्होंने 2 पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था। इसके ऊपर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटाज इस आर्टिकल में से हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको पता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में कितनी प्रेडोमिनेंट है, तो हमको ये भी मालूम है कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बेसिकली पीपल ऑफ 15 to 49 years ऑफ एज ग्रुप के लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और डेटा ये भी कहता है कि जितने भी लोग जो साउथ ईस्ट एशियन में जो कि ट्यूबरकुलोसिस से इफ़ेक्टेड होते हैं उनमें
50% उनकी मोर्टैलिटी है, मतलब 50% लोग मर जाते हैं। तो अगर हम मानें कि अगर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में 100 लोग ऐसे हैं जो ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड है, तो उनमें 50 लोग की डेथ तो होती ही है। और ये जो 100 लोग जो है जो कि ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड है, उनकी एज भी 15 to 49 ईयर्स की है। मतलब ये अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम पीरियड जो होता है इंसान का 15 to 49 अब एज ग्रुप का, वो उसी में ही वो ट्यूबरकुलोसिस जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित होते हैं, एंड देन उनमें से आधे लोग की तो डेथ भी हो जाती है। यहाँ पे इवन ये भी स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि जो लोग ट्यूबरकुलोसिस प्लस एचआईवी दोनों से ग्रसित होते हैं, तो वो तो 25% उनकी भी डेथ जो होती है, एड रिलेटेड डेथ उनकी भी हो जाती है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन में जो लोग एचआईवी से भी ग्रसित है एज वेल एज टीबी से भी ग्रसित है, उनमें से 25% लोगों की मौत हो जाती है। देन ऑन टॉकिंग अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यहाँ पे ये कहता है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अराउंड 30% लोग जो है, मतलब 29% जो लोग हैं क्या कहते हैं, जो कि लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित हैं, उन उसमें से 30% लोग की डेथ हो जाती है। तो अगर सपोज करिए कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में 100 पीपल ऐसे हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से अफेक्टेड हैं, तो उनमें से 30 लोगों की डेथ हो जाएगी। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का है। तो 30% लोग मरते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, और ट्यूबरकुलोसिस से 50% मरते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस प्लस 8 to 25% लोग मर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से अराउंड 8.9 मिलियन पीपल की जान चली जाती है। तो इसके इसके बारे में ये भी कहते हैं कि आर्टिकल में भी कहते हैं कि ये जो चाहे ये ट्यूबरकुलोसिस हो चाहे ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, ये काफ़ी प्रिवेंटेबल डिजीज़ होती है। अगर आप अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग अगर आप सेटअप कर सको, और अपने जो भी इनोवेशंस अगर लेके आ सको, और प्रॉपर मेडिकल केयर अगर लोगों को मिले, तो टैकलिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो एक अचीवमेंट हो सकती है। हम अपने टारगेट्स जो हैं, जैसे हमारा टारगेट है 2030 तक इंडिया ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म कर देगा, तो हम अपने सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं अगर हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को अच्छा कर सके, इनोवेशंस लेके आए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी रखे, और सैनिटेशन और हाइजीन पे ध्यान दें। तो उसके लिए 2017 में इंडिया में एक दिल्ली कॉल फॉर एक्शन रहा है ट्यूबरकुलोसिस को टैकल करने के लिए, और 2018 में स्टेटमेंट ऑफ एक्शन रहा है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। हो सकता है कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या मे बी यूपीएससी में भी ऐसे पूछ सकते हैं कि दिल्ली कॉल फॉर एक्शन जो था वो किसका प्रोग्राम था, तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रोग्राम था, या फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन किसके लिए था, तो ऑब्वियसली ये भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए था। तो यहाँ पे यही बात है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को एंड कर देंगे 2030 तक, हमारे जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स जो है उसके बारे में कुछ तारीफ करी है इस आर्टिकल में। फिर आर्टिकल में एक और बात भी कही जाती है कि WHO का एक जो WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन का एक 69th जो इनकी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे 2016 में कोलंबो डिक्लेरेशन हुआ था 2016 का, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन रीजन के सारे हेल्थ मिनिस्टर आए थे, और उन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेके उसको टैकल करने के लिए काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस और प्रोमिसज वहाँ पे किए थे कि हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। ये एक कोलंबो डिक्लेरेशन था 2016 का। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी आप याद रखिएगा कि जो कोलंबो डिक्लेरेशन हुआ था 2016 का, अच्छा कोलंबो डिक्लेरेशन 2016 के दो हैं, एक है WHO का जो कि WHO का साउथ ईस्ट एशियन रीजन का जहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर आए हैं 2016 का, और एक कोलंबो डिक्लेरेशन 2016 डिफरेंट है। इंडियन ओशन रीजन में ये एक मीटिंग हुई थी 2016 में, और उन्होंने नारकोटिक्स को लेके जो एक इन्होंने ड्रग और नारकोटिक्स को लेके एक मीटिंग हुई थी इंडियन ओशन रीजन की, जहाँ पे जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रीजन के वहाँ पे आए थे और डिस्कशन हुआ था। तो याद रखिएगा कोलंबो डिक्लेरेशन 2016 दो के लिए है, एक है WHO साउथ ईस्टर्न रीजन के हेल्थ मिनिस्टर्स का, और दूसरा है नारकोटिक्स का इंडियन ओशन रीजन का। तो ये दो हैं याद रखिएगा। तो इस वाले में जो हम अभी करेंटली डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्राइमरी लेवल पे इंटरवेंशन अच्छे कर सके,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इवन जो ये साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन की ये जो WHO की कॉन्वेंशन हुई थी 2016 में, इन्होंने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो सारे कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्टर्न एशियन के, तो उनको आपस में मिलना चाहिए, आपस में अपने जो भी इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं उससे एक दूसरे सीखें और ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स ले, और उसकी वजह से दूसरों को भी बेनिफिट मिले. और यहाँ पे इन्होंने ये भी बात कही है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स की बात कही है, जैसे कि रेंज ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव, न्यूट्रिएंट लेबलिंग सिस्टम्स दैट इन्हांसेस हेल्थ लिटरेसी टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी, तो ये सब तो इन्होंने बात कही थी. अगर आप ऑब्वियसली अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो पहले से ही टैकल हो सकती हैं. देन यहाँ पे और भी बात कही है कि यूनाइटेड नेशन का इस तरीके की जो मीटिंग है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दो इतनी प्रोमिनेंट जो डिजीज़ है पब्लिक हेल्थ केयर की, जो है ट्यूबरकुलोसिस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, को एड्रेस करने का मतलब है कि पहली बात तो ये है कि ये डिज़ीज़ का कितना इम्पैक्ट है, कितने लोग इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि इस तरीके की हाई लेवल मीटिंग की वजह से क्या होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं जो कि इफ़ेक्टेड होते हैं, वो इससे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग, जो कंट्रीज़ जो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, जो डेवलपिंग स्टेट्स में स्टेजेस में हैं, तो वो इनोवेशंस फ्रॉम अदर कंट्री की वजह से बेनिफिट में आ सकते हैं, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस से उनको गेन करने को कुछ ना कुछ मिल सकता है, और ये एक ये चेंज गेमिंग गेम चेंजिंग इनोवेशन की तरह आ सकता है. तो यही सब बातें पूरे आर्टिकल में कही है कि कैसे अगर हम इस तरीके के इनिशिएटिव्स लें जहाँ पे ढेर सारे मेंबर स्टेट्स आके अपना बेस्ट, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएं या इनोवेशंस के बारे में बताएं, उससे कितने बेनिफिट होगा. और अगर हम प्राइमरी ही लेवल पे चीज़ों को अगर देख सके, प्राइमरी हेल्थ केयर इस्टेब्लिश करके, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके, हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर फोकस करके, तो कैसे ये जो दो डिजीज़ है जिससे अच्छे खासे लोगों की वहाँ पे साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन में डेथ हो रही है और प्रोडक्टिव ईयर्स में उनकी जान चली जा रही है, उसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं. और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि फर्स्ट ऐसी मीटिंग जो हुई थी, इस तरीके की मीटिंग जो कि डिस्कस करती हो डिजीज़ के ऊपर, 2011 में हुई थी इस तरीके की मीटिंग, और ये दूसरी मीटिंग अभी हुई है 2018 में, और इनका यही है टारगेट कि 2025 तक रिड्यूस कर देना इस तरीके की प्रीमेच्योर डेथ्स को. और इंडिया का क्या टारगेट है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को बाय 2030 उससे रिमूव कर देंगे. याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो बाकी सब यही सब बातें हैं और इसमें कुछ खास इसमें ऐसा कुछ नहीं डिस्कस करने का, बस यही सब जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बोले वही बार बार रिपीट हो रहे हैं. एंड आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं. आई होप कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को लाइक करें. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन.